नमस्कार, YouTube चैनल एन इन योर्स डबल टू में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कंटिन्यूस चिप्स के बारे में। मटेरियल की मशीनिंग बहुत ज़्यादा चिप्स पर डिपेंडेबल होती है और मशीनिंग एक कटिंग प्रोसेस है जिसमें मेटल वर्कपीस को डिज़ायर्ड शेप देने के लिए टूल की मदद से मटेरियल रिमूव किया जाता है। एक्सेस मटेरियल को रिमूव करके जो चिप्स बनती है वह किस टाइप की है, यह बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करता है, जैसे नेचर ऑफ वर्कपीस क्या है, नेचर ऑफ टूल, टूल ज्योमेट्री, फीड रेट, कटिंग स्पीड, टूल एंड वर्कपीस का बीच में फ्रिक्शन, कटिंग एनवायरनमेंट जैसे टेम्परेचर, कटिंग फ्लूड इत्यादि। तो अब बात करते हैं कंटिन्यूस चिप्स के बारे में। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, कंटिन्यूस चिप, इस टाइप के चिप में डिसकंटिन्यूस चिप की तरह अलग अलग चिप के छोटे छोटे सेगमेंट नहीं बनते, जबकि कंटिन्यूस चिप बनती है। और इस टाइप के चिप तभी बनते हैं जब डक्टाइल मटेरियल जैसे माइल्ड स्टील की मशीनिंग की जाती है और कुछ अंडर फेवरेबल कंडीशन के अंतर्गत इस मशीनिंग को किया जाता है, मतलब कि हाई कटिंग स्पीड है, टूल फेस और चिप के बीच में बहुत कम फ्रिक्शन हो, चिप और टूल के बीच में इंटरफेस पे फ्रिक्शन को कम करने के लिए टूल के फेस को पॉलिश भी किया जाता है और बढ़िया कूलेंट या कटिंग फ्लूड का इस्तेमाल भी किया जाता है। जैसे डायमंड टूल का अगर प्रयोग करें तो उसको प्रयोग करते समय फ्रिक्शन कम रहता है। और जो कंटिन्यूस चिप है वह रिबन की तरह होती है और टूल के रैक फेस के अलोंग फ्लो करती है। कंटिन्यूस चिप मेटल की डक्टिलिटी के कारण बनती है और सीयर प्लेन के अलोंग फ्लो करती है, रप्चर होने की बजाय, जैसा कि डिसकंटिन्यूस चिप में होता है। और इसीलिए कंटिन्यूस चिप पर किसी प्रकार की कोई नोच भी नहीं दिखाई देती और यह भी माना जाता है कि मेटल की प्रत्येक लेयर सीयर प्लेन के अलोंग फ्लो करती है जब तक इसे वर्क हार्डनिंग के द्वारा ना रोका जाए। और प्रत्येक नई लेयर प्रीवियस लेयर के साथ वेल्ड होती रहती है ज़्यादा टेम्परेचर होने के कारण, जिससे कंटिन्यूस चिप बनती है। और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि टूल के कटिंग पॉइंट या नोज के आगे मेटल का कंटिन्यूस प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है, जिससे कंटिन्यूस चिप बनती है और जिसके बाद कंटिन्यूस चिप टूल फेस के अलोंग स्मूथली फ्लो करती है। और कुछ ऐसे फैक्टर हैं जिसे हम मान सकते हैं कि वो कंटिन्यूस चिप के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, उसमें लार्ज रेक एंगल ऑन टूल, हाई कटिंग स्पीड, फाइन फीड, स्मॉल चिप थिकनेस, डक्टाइल वर्क मटेरियल और चिप और टूल इंटरफेस के बीच में कम फ्रिक्शन, शार्प कटिंग एज। कंटिन्यूस चिप को चिप्स की सबसे डिज़ायरेबल फॉर्म भी कहा जाता है, क्योंकि जब कंटिन्यूस चिप्स की फॉर्मेशन होती है तब कटिंग काफ़ी स्मूथ होती है, बढ़िया सरफेस फिनिश मिलता है और क्योंकि एफिशिएंट लुब्रिकेशन के कारण टूल चिप इंटरफेस के बीच कम फ्रिक्शन होने की वजह से ही लॉन्गर टूल लाइफ, हायर टूल लाइफ मिलती है और इसके अतिरिक्त पावर की कंजप्शन भी कम होती है। कंटिन्यूस चिप की फॉर्मेशन के दौरान एक समस्या रहती है कि चिप के बड़े बड़े कोयल बनते हैं तो उनके डिस्पोजल में एक प्रॉब्लम आती है और इस प्रॉब्लम से निजात पाने के लिए चिप ब्रेकर की डेवलपमेंट की जाती है। टूल रेक फेस पे स्टेप या ग्रूव की फॉर्म में इनको बनाया जाता है, जिससे चिप ब्रेकर कंटिन्यूस चिप को छोटे छोटे पीसेज में ब्रेक कर देते हैं, जिससे उनको डिस्पोज ऑफ करना आसान रहता है। और जब हम बात करें लार्ज रेक एंगल की, वो हम देख सकते हैं वो एंगल होता है, दिस इज द एंगल फाउंड बिटवीन फेस ऑफ द टूल, ये टूल फेस है, प्लेन पैरेलल टू इट्स बेस, इसके बेस के पैरेलल जो लाइन होगी तो उनके बीच का जो एंगल है वो रेक एंगल कहलाता है। और जब इसको इंक्लिनेशन टुवार्ड्स द सेंक करते हैं तो यह रेक एंगल होता है, जिसको टॉप रेक या बैक रेक कहते हैं। अगर इसको साइड से मेजर किया जाए तो उसको हम साइड रेक एंगल कहते हैं। तो कंटिन्यूस चिप के दौरान लार्ज रेक एंगल होना चाहिए, तभी ये चिप्स मिलती हैं। तो दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में डिस्कस किया कंटिन्यूस चिप्स के बारे में। अगर इस चिप के दौरान हमारे पास जो कटिंग स्पीड, जो इस केस में हमें ज़्यादा कटिंग स्पीड चाहिए, हाई कटिंग स्पीड, अगर वो लो हो जाती है या जो फ्रिक्शन है वो बढ़ जाता है, तो इन दैट केस हमें कंटिन्यूस चिप की बजाय
डिसकॉन्टिन्यूस चिप मिलेगी। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में डिस्कस किया कॉन्टिन्यूस चिप के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और एन यूनिवर्स 22 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ।